छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी से न्यूज 18 इंडिया ने खास बात की। इस दौरान मनीष ने काम के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार बीजेपी 400 सीट तो दूर 150 सीट भी नहीं जीत पाई। मनीष जी, बहुत बड़ी सभा भी दिखी और चंडीगढ़ की एक अलग ही हमारे सामने छवि होती है, बहुत साफ सुथरा विकसित। लेकिन यहाँ पर अभी जब हम आ रहे थे, कूड़े के बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे और लोग परेशानी भी कई बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में चंडीगढ़ में कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे लोगों को कूड़े के पहाड़ दिए हैं। हमारे मेयर साहब चंडीगढ़ के हमारे साथ हैं और हर जगह पर गांव में जाओ, लाल डोरे की समस्या, आपके कॉलोनी में जाओ वहाँ पे मालिकाना हक की समस्या, शहर में हिस्सेदारी है जिनकी अपनी संपत्ति में वो बेच नहीं पा रहे हैं उसकी समस्या, उद्योग की अपनी समस्या। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ना उनकी सांसद 10 साल दिखी हैं यहाँ पे, ना उन्होंने कोई काम किया है चंडीगढ़ के लिए और बिल्कुल जो पहले नंबर का शहर था उसको 66वें नंबर पर पहुंचा दिया। आप बार बार संविधान की भी बात उठाते हैं इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों के साथ और कुलदीप जी को देख के मुझे ये याद आ गया, तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर बड़ी संख्या ले आई तो संविधान पर खतरा आ जाएगा? देखिए ऐसा है, संविधान पे तो भारतीय जनता पार्टी से खतरा है ही क्योंकि ये खारिज करना चाहते हैं। पर अच्छी बात ये है कि बीजेपी दक्षिण भारत में साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। जो 400 की बात करते थे उनकी आज 150 सीट नहीं आ रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आज दिन में आपके प्रतिद्वंदी से भी मिला, भाजपा प्रत्याशी से, उनका ये कहना था कि आप बाहरी हैं, आप बाहर, आपका वोट बाहर है, आप यहाँ के निवासी नहीं है, तो आप क्यों उन्हें चुनौती दे रहे हैं? इस तरीके की बातें वो बोल रहे थे। देखिए ऐसा है, वो खुद तो पैदा हुए अमृतसर में, वो खुद तो अमृतसर में पैदा हुए और उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं बनारस से, वोट अहमदाबाद में क्यों डालते हैं? आपकी पार्टी के अपने नेता आपके साथ हैं क्योंकि सर पवन जी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। 28 की 28 पार्टियां साथ हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक है और हमारा एक ही लक्ष्य है, भारत के संविधान की रक्षा करना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मनीष तिवारी जो चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय यहाँ पर सभा करने आए हुए थे। कैमरामैन चमन पलानिया के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, चंडीगढ़। तो कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी को आपने सुना। इस बीच चंडीगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट संजय टंडन ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि जो काम पिछले 50 सालों में नहीं हो पाया वो अगले 5 साल में करने की कोशिश रहेगी। उन्होंने सरकार विरोधी लहर की बात को सिरे से नकार दिया और 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर दिया। हमारे साथ चंडीगढ़ के संजय टंडन है जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। संजय जी, बहुत लंबा चौड़ा आपने मैनिफेस्टो निकाला है चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं चंडीगढ़ के वासियों के लिए कर सकें और मैंने तो अपने भाषण में भी कहा है कि जो 50 साल में नहीं संभव हो पाया हम 5 साल में करके दिखाएंगे। लेकिन आपके विरोधी कांग्रेस के उम्मीदवार वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से तो यहाँ बीजेपी की सांसद थी और उनकी एंटी इनकम्बेंसी इस बार बीजेपी के सामने खड़ी है। नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मोदी जी ने जिस तरीके से देश का संचालन किया है, ये चुनाव जो सारा उसके ऊपर आधारित है कि आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लोग सीधा जो है मोदी जी को चुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर और सामने उनके कोई भी व्यक्ति नहीं है। मनीष तिवारी ये कहते हैं कि जो यहाँ की चंडीगढ़ की सांसद थी वो 10 साल दिखी ही नहीं लोगों के बीच में। आपको मैं देख रहा हूँ कि एक एक आदमी के पास जाकर मिल रहे हैं, पुराना परिचय भी लगभग सब लोगों के साथ आपका दिखाई दे रहा है। देखिए वो तो हर व्यक्ति का एक अपना अपना काम करने का ढंग होता है। उन्होंने जो किरण जी पिछले जो है 3 वर्षों में उनको थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्या हुई जिसकी वजह से उनको ये 2-3 सालों में जो है घूमने फिरने में उनको थोड़ी दिक्कत रही है और ये तो किसी की भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। मनीष तिवारी जो है केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि वो भी चंडीगढ़ के मूल निवासी हैं, लोगों के बीच रहने वाले हैं। कितनी कड़ी चुनौती मानते हैं आप, कैसे मुकाबला? वो तो लुधियाना में उनका वोट बना हुआ है, पहले वो बताएं कि वो लुधियाना में जाके वोट किसको डालेंगे, आम आदमी को डालेंगे कि कांग्रेस को डालेंगे? वहाँ तो दोनों कैंडिडेट हैं, पिछली बार भी उन्होंने वोट नहीं किया है। ये कैसी कैसी क्या लोकतंत्र के अंदर वो भाग ले रहे हैं कि वोट अपना वहाँ पर रखते हैं और इधर उधर घूम के नई नई जगह पर वो हर बार पहुँचते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये संजय टंडन थे जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इस समय चंडीगढ़ की मोटर मार्केट में घूमकर लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। कैमरामैन चमन पलानिया के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, चंडीगढ़।